जम्मू कश्मीर को मिले बजट के कायल हुए उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री का जताया आभार। जम्मू कश्मीर के विकास गाथा को गति मिलने की जताई उम्मीद। एक ही देश में दो कानून लागू करने का लगा आरोप, पैंथर्स पार्टी जल्द राष्ट्रपति को सौंपने जा रही ज्ञापन। सरकारी बंगलों के कब्जे से खाली करवाने का मुद्दा सड़कों पर। और आठवें चैत्र नवरात्रि पर भी मंदिरों में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। माता के आठवें स्वरूप महागौरी की हो रही आराधना। अष्टमी पर पवित्र साख का किया जा रहा विसर्जन। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। जिस दिन से मैं चला हूं, मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज कुछ इस अंदाज में आपने देखा किस तरह से बात रखी। बशीर बद्र के इस शेर को यहां जम्मू कश्मीर को लगातार तीसरी बार आवंटित किए गए करीब 1,00,000 करोड़ रुपए से भी अधिक बजट पर अपना पक्ष रखा है। उपराज्यपाल ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए इस बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का भी आभार जताया और पिछले 3 सालों में जम्मू कश्मीर की जो विकास गाथा है उसका ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि ये बजट पिछले 3 वर्षों के अभूतपूर्व विकास को और विस्तार देने में बेहद कारगर साबित होगा और ये बजट लोगों के सपनों को पूरा करेगा और इससे किसी समय यहां मात्र आप देखिए शिलान्यास तक सीमित रहने वाला बजट नहीं है। जम्मू कश्मीर अब यहां और बदलाव महसूस करेगा। जिस दिन से मैं चला हूं, मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। 3 वर्षों की विकास यात्रा में अनगिनत माइलस्टोन प्राप्त करते हुए विकसित जम्मू कश्मीर, नए जम्मू कश्मीर के सपनों को साकार करने का प्रयास किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में तेजी से बदल रहे जम्मू कश्मीर में ऐसी व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश हो रही है जो आत्मनिर्भर हो, आकांक्षी हो तथा जन कल्याण के प्रति पूरी तरह समर्पित भी हो। उस दृष्टिकोण से इस साल का बजट पिछले 3 वर्षों के अभूतपूर्व विकास को और विस्तार देगा, इसका मुझे भरोसा है। मैं भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का तथा देश की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। 1,18,500 करोड़ रुपए का इस साल का बजट गांव, गरीब, किसान, शहर, युवा, महिला, उद्यमी, पंचायती राज संस्थाएं और अर्बन डेवलपमेंट सभी के सपनों को पूरा करेगा और सतत न्याय संगत तथा समावेशी सर्वस्पर्शी विकास का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। एक समय तक सिर्फ शिलान्यास तक सीमित रहने वाला जम्मू कश्मीर अब बदलाव देखने लगा है, महसूस भी करने लगा है। 7 नए ई गवर्नेंस इनिशिएटिव शुरू करने की बात कही गई है। ई ऑफिस जम्मू कश्मीर के सभी सरकारी दफ्तरों में पहुंचाया जाएगा। ऑनलाइन एसेस मैनेजमेंट सिस्टम हम स्थापित करेंगे। रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इंटेलिजेंट टिकटिंग सिस्टम आने वाले दिनों में शुरू करेगा। जीएसटी के लिए ई इनवॉइस सिस्टम हम शुरू करेंगे। ई वे बिल को फास्टैग तथा वाहन सुविधा से लिंक करने का काम हम करेंगे। पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक सिंगल हेल्पलाइन नंबर शुरू करने की योजना प्रशासन ने बनाई है। पिछले 3 वर्षों में आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के लिए तैयार की गई नींव को मजबूती प्रदान करते हुए इस साल के बजट में नए जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए मुख्य रूप से 9 विजन पर फोकस करने की कोशिश की जा रही है। गुड गवर्नेंस, ग्रास रूट डेमोक्रेसी का सशक्तिकरण,
प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आकांक्षी समाज के लिए समावेशी विकास, वुमेन एम्पावरमेंट, सामाजिक समावेश और अगले 5 वर्षों में जीडीपी को दुगुना करना, इन 9 प्राथमिकताओं का वित्तीय दस्तावेज मैं मानता हूं कि यही इस साल का बजट। इस बार 5013 करोड़ रुपए का जो होलिस्टिक प्लान बना था, इसे हम आने वाले 5 वर्षों में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। इस योजना के द्वारा अगले 5 साल में 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लगभग 19,000 के आसपास नई बिजनेस यूनिट भी स्थापित होंगी। अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो जम्मू कश्मीर के समग्र विकास में नॉलेज इकोनॉमी का बहुत बड़ा योगदान है। पिछले 3 वर्षों में स्कूल ली शिक्षा और हायर एजुकेशन में अनेक नए इनिशिएटिव लिए गए। जम्मू कश्मीर को नॉलेज आधारित जीवन समाज और विज्ञान आधारित आर्थिक शक्ति के रूप में बदलने की कोशिश हो रही है और इस साल एजुकेशन सेक्टर को 1552 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सभी शैक्षणिक संस्थाओं में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने के मामले में मैं कह सकता हूं, मुझे प्रसन्नता है कि शिक्षा विभाग ने बाकी राज्यों की तुलना में काफी तेजी से पहल की है। सभी स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समाज के सभी वर्ग के बच्चों की एक समान पहुंच हो, ये सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है। तो पैंथर्स पार्टी ने एक ही देश में 2 कानून लागू किए जाने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया है। पैंथर्स पार्टी के नेता हर्षदेव सिंह ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करने के बाद उनसे सरकारी आवास खाली करवाए जाने के आदेश पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसके दौरान हर्षदेव सिंह ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी को भले ही सरकारी बंगला खाली करवाने का आदेश जारी कर दिया जा चुका है, लेकिन जम्मू कश्मीर में उन भाजपा नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है जो पिछले कई सालों से सरकारी बंगलों में डेरा जमाए बैठे हैं। उन्होंने कहा, एक ही देश में 2 कानून लागू किए जा रहे हैं और पैंथर्स पार्टी जल्द ही इस संदर्भ में राष्ट्रपति को ज्ञापन देने जा रही है। जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान में 2 कानून क्यों चल रहे हैं? बहुत बड़ा प्रश्न। राहुल गांधी को आपने डिस्क्वालीफाई किया और एक दिन के बाद कहा कि सरकारी बंगले को खाली कर दीजिए। ये क्या वजह है कि बीजेपी के लोग आज भी उन सरकारी बंगलों में बने हुए हैं जो टैक्स पेयर मनी से बने हुए हैं? लोगों से टैक्स वसूल कर सरकारी संपत्तियां बनती हैं और उन करोड़ों रुपए के बंगलों में आपने भारतीय जनता पार्टी के लोग और अपने चहेतों को रखा हुआ है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है? मैं ये नरेंद्र मोदी जी आपसे भी पूछना चाहता हूं और लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय आपसे भी पूछना चाहता हूं, और एक बात जिसकी शायद जानकारी आम लोगों को नहीं है कि बंगलों के अंदर जितना भी साजो सामान है वो सारा का सारा सरकारी खर्चे के ऊपर उनको मुहैया करवाया जा रहा है। इनके खिलाफ क्या कार्रवाई है? मैं राष्ट्रपति महोदय से गुहार लगाना चाहता हूं और राष्ट्रपति महोदय को मेमोरेंडम भी संदर्भ में दिया जाएगा कि क्या हिंदुस्तान में कोई ऐसा बचा है, कोई एजेंसी भी बची है, कोई सीबीआई, कोई विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन, कोई एंटी करप्शन ब्यूरो जो इस बात का संज्ञान ले। और तो पवित्र चैत्र नवरात्रों के 8वें दिन आज माता के 8वें स्वरूप महागौरी की आराधना की जा रही है और जम्मू सहित सूबे के अन्य जिलों में मंदिरों में आज भी सुबह सवेरे से ही आस्था का सैलाब उमड़ना शुरू हो गया था। श्रद्धालु यहां मां गौरी के ही समक्ष आप देखिए नतमस्तक होकर पूजा अर्चना करने के अलावा सुख समृद्धि की मन्नतें मांगते नजर आए और सभी मंदिरों की छटा देखते ही बन रही है। वहां सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं और जम्मू में बाहू फोर्ट स्थित मां काली के मंदिर में भी लोगों का आना जाना लगा हुआ है और वो शीश नवाकर धर्म के प्रति अपनी आस्था निभा रहे हैं। जय माता की। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वा साधिके शरण दंबिके गौरी नारायणी नमस्ते। माँ भगवती का आज अष्टम नवरात्र है। माँ भावे वाली आपको आशीर्वाद प्रदान करे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे, मंगल कार्यों की ओर आपको प्रेरित करे। ये भगवती आपका जो है सर्वार्थ कार्य सिद्ध करे और जिन
कन्याओं का जो है आज विवाह में विलम्ब होता है उनको आत्मा गौरी की पूजा करनी चाहिए और भगवती से ही आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए कि हमारा शीघ्र विवाह हो इत्यादि मंगल कार्यों में माँ भगवती आप सबको जो है प्रेरित करे। जय माता दी। सभी लोग जहाँ आए हुए हैं पूरे विश्व में ये आई अष्टमी मनाई जा रही है तो आई हम भी बाबा माता आए हैं रोज आते हैं तो और सबको बड़ी शुभकामनाएं देश में भी अच्छा हो देश के लिए भी अच्छा हो और सब सबके घरों में भी अच्छा हो। बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं बहुत अच्छे रोज बहुत अच्छे दर्शन होते हैं हमें बहुत अच्छे उत्तम दर्शन हुए आज माता रानी के घर से यही सोच के आए थे कि अच्छे दर्शन और बड़े अच्छे माता ने दर्शन करवाए हमें कोई भीड़ भड़का भी नहीं था जैसे माता ने हमारे लिए रास्ते आगे साफ करके रखे थे कि बहुत अच्छा बड़ी खुशी हुई माता के दर्शन करके। माता सबकी मनोकामना पूरी करती है हमारी भी की है। जहाँ स्कोटी रीजन के हिसाब से भी बहुत बढ़िया हम पूरे नवरात्रों में आए हैं और स्कोटी रीजन के हिसाब से देखें तो बहुत ही एक डिसिप्लिन से पूरा चल रहा है। मैडम हमारी जो चोपड़ा मैडम है वो बड़े अच्छे तरीके से स्कोटी को संभाले हुए हैं और कोई भी शोर शराबा या किसी किस्म का वो नहीं है। पीसफुल यात्रा चल रही है और हम जय माता रानी से दुआ करते हैं कि अगली बार भी इनकी ड्यूटी लगे और बहुत अच्छे सभी भक्त बहुत खुश हैं इनके जहां ड्यूटी लगने से कि पीसफुल चलता है। पहले ऐसा चलता था कि वीआईपीज वगैरह बहुत ज़्यादा चलते थे और बाकी जो अदर लोग थे बेचारे उनके लिए काफ़ी दिक्कत आती थी कि वो लाइने में लगे रहते थे। अब ऐसा नहीं है बहुत बढ़िया तरीके से दर्शन होते हैं सभी आए माता रानी के दरबार में और माथा टेक के अपने बच्चों के लिए मनोकामना पूर्ण करें। तो जम्मू के साथ साथ सूबे के अन्य जिलों में भी आप देखिए मंदिरों में आज पवित्र चैत्र नवरात्रों की अष्टमी पर मंदिरों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ और लोग मां के मंदिरों में पूजा अर्चना कर मन्नतें मांग रहे हैं। और पंच के अगर कालिका देवी मंदिर की बात करें तो लोगों का आना जाना यहां पर भी लगा हुआ है और श्रद्धालुओं ने आज अष्टमी के अवसर पर मंदिर परिसर में कंजक पूजन कर धर्म के प्रति अपनी आस्था निभाई और सदियों से चली आ रही इस परम्परा का निर्वाह करते हुए मन्नतें भी मांगी। शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को कुछ हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। मुझे तमन्ना करता हूँ कि मनोकामना इससे मैं यहाँ काली माता के मंदिर में खड़े हैं यहाँ साक्षात काली माता में आए और जहाँ सभी को मनोकामना पूरी शुभ अवसर पर पिछले 7-8 दिन से यहाँ पर रोज शाम को यहाँ प्रोग्राम होता है जिसमें ज्यादा संख्या में लोग सुबह से लेकर भक्तों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। ये बड़ा एक प्राचीन और हमारा प्रतिष्ठित मंदिर है पुंछ के अंदर जहाँ सबों की मनोकामना। पवित्र चैत्र नवरात्रों में लोगों द्वारा अपने अपने घरों में बीजी गई यहां आप देखिए साख का भी आज विसर्जन किया गया। जल स्रोतों में विसर्जन ये किया गया है। अष्टमी और महानवमी पर मां की पवित्र साख का विसर्जन करने की परंपरा सदियों से चलती आ रही है जिसे लोगों ने आज पूरी श्रद्धा के साथ निभाया है। बात करें अगर जम्मू की तो यहां इस बार सूर्यपुत्री तवी नदी में भी पवित्र साख के विसर्जन पर प्रशासन की ओर से प्रतिबंध लगाकर लोगों से यह परंपरा नहरों में निभाने की अपील की गई थी और जिसके चलते रणबीर कैनाल में आज लोगों ने साख विसर्जन किया। इस दौरान पॉलिथीन का इस्तेमाल करने वालों पर भी नजर रखने के लिए यहां काम किया गया था और दूसरी ओर जम्मू के साथ सटे बिश्नाहा और अन्य इलाकों में भी लोगों ने नहरों में साख प्रवाहित कर धर्म के प्रति अपनी आस्था निभाई है। ते बर्त बड़े सुख शांति करने सारे निकले ना ते माता रानी साढ़े पर कृपा करे मेरे परिवार बच्चे सुख शांति दे अगले बार भी भाई सुख शांति बच्चे माता रानी आए सारी इयै मनोकामना सुख शांति च दे माता रानी सारे परिवार बच्चे सुख शांति दे सारे परिवार बच्चे भाई ठीक ठाक रखे सारी इयै दुआ है माता। बात तभी मैं नहीं कर पाए इस बार सब जो जितनी भी साख विसर्जन की जितनी भी व्यवस्था है वो सारी यहाँ पे की हुई है ठीक भी है तो हमारा वैसे कर रहे हैं यहाँ पे साख विसर्जन बहुत अच्छा लग रहा है। माता रानी की कृपा है कि चलो वहाँ नहीं तो यहाँ से ही हमें मौका मिल रहा है यहाँ पे माता रानी के साख विसर्जन करने का। पर माता रानी के साख विसर्जन करने का जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सब अवेयर कर रहे हैं हमें कि हमें साख विसर्जन के साथ सिर्फ साख माता विसर्जन करनी है लेकिन जो भी प्लास्टिक है उनको हमें नहीं करनी। जैसे कभी जो परवाने वाला सामान होता है उसको ये हमसे साइड पे रखवा रहे हैं कि वो सारा नहीं जाना चाहिए इधर क्योंकि अगर वो जाएगा तो ये जो हमारी जितनी भी वाटर बॉडीज हैं जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही नदी एक ही कोई तालाब जितनी भी वाटर बॉडीज हैं वो सारी साफ सुथरी रहें ज़्यादा उसमें गंद ना पड़े वो सारा
अच्छा सर, ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, क्योंकि जैसे हम अपने बड़ों से सुनते थे कि जो तवी के जितने भी हमारे जम्मू में जो जितने भी ये तालाब नहर वगैरह थी, ये पानी इतना साफ होता था, यहाँ पे जो जितनी मछलियाँ थी वो तक हमें दिखती थी, बट आज जब हम जाते हैं किसी भी पुल से हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमें मछलियाँ तो दूर की बात, पानी में इतना पूरा एकदम ऐसा गंदा दिखता है। तो अच्छी बात है ये इनिशिएटिव ले रही है, जिससे कि हमारी जितनी भी वाटर बॉडीज हैं तो वो साफ सुथरी रह रही है। और अगर रही बात तवी माता की, तो हम सब तो जानते ही है हमारी जम्मू की सूर्य पुत्री तवी कहते हैं इसको, तो जम्मू को जाना ही जम्मू तवी के नाम से जाना जाता है। तो अच्छा है कि ये इनिशिएटिव लिया गया है उसको पूरा साफ करने का, तो हमें बहुत अच्छा लगा। जम्मू कश्मीर पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी हर वर्ष और हर नवरात्रा में, साल में दो बार नवरात्रा आते हैं, तो जहाँ पे भी विसर्जन होता है, जैसे चाहे वो हर की पौड़ी था विक्रम चौक पहले, इस बार तो हम वहाँ पे नहीं विसर्जन हो रहा है, तो हम लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि हमें हमारी जो नदियाँ हैं तालाब हैं तो ये धीरे धीरे प्रदूषित होने के साथ साथ ख़त्म भी हो रहे हैं। जम्मू नगर निगम के आग्रह के बावजूद भी आज सूर्यपुत्री तवी नदी में यहां साख विसर्जित करने कुछ लोगों को वहां से हटाया भी गया है। ये लोग वहां पर पहुंचे, इन लोगों को निगम ने इस फैसले की कोई जानकारी नहीं दी थी, इस तरह से उनकी तरफ से बात कही गई। और इनके सूर्यपुत्री के तट पर पहुंचने और वहां खुद विशेष तौर पर मौजूद जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा ने उन्हें तवी को स्वच्छ बनाए रखने के लिए यहां साख विसर्जन नहर में करने की अपील की। महसूस कर रहे हैं सूर्यपुत्री पिछले 3-4 दिन से। एनएसएस के स्टूडेंट्स कल से सभी लोगों को ये निवेदन कर रहे हैं ब्रिजेस के ऊपर खड़े होकर, आपने देखो इनके सबके हाथों में पत्रक है कि सूर्यपुत्री को स्वच्छ रखें, पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें और जो साख का विसर्जन है वो नहर में करें। इसके लिए लोगों से बहुत ही ज्यादा सहयोग मिल रहा है और सभी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं और इस इनिशिएटिव को लोग सराहा भी रहे हैं कि ये अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जल स्रोतों को हमें स्वच्छ रखना होगा और वैसे भी हमारे पास जल स्रोत जो हैं वो सीमित होते जा रहे हैं, तो जो हैं उनको भी स्वच्छ रखते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ झील भी बनने वाली है तो आने वाले दिनों में हमें दिक्कत ना हो, वाटर सक्शन की दिक्कत ना हो, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए लोग बहुत सजग हैं और खासकर युवा पीढ़ी वो बड़ी उत्साहित है और इसमें पूरा सहयोग कर रही है। तो लोगों की सुविधा के लिए जिला उधमपुर में कोर्ट परिसर में यह पोस्ट ऑफिस खोला गया है, जिसका उद्घाटन आज डीडीसी के चेयरमैन लालचंद ने किया है। और डीडीसी यहां आप देखिए किस तरह से पहुंचे और डीसी उधमपुर कृतिका ज्योत्सना भी उनके साथ मौजूद रही। डीडीसी चेयरमैन ने बताया कि यहां पहले भी पोस्ट ऑफिस हुआ करता था, लेकिन जिसे किन्हीं कारणों से बंद कर दिया गया था, जिसे स्थानीय प्रशासन की पहल अब इसे माना जा रहा है और दोबारा से ये खोला गया है। तो इसके खुलने से परिसर में आने वाले लोगों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। सभी को नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं जब हम छोटे हुआ करते थे तब भी यहाँ पोस्ट ऑफिस हुआ करते थे, उसके बाद ये बंद हो गया क्योंकि ये बैक साइड हो गया, ये जहाँ से शिफ्ट हो गया था आज डीसी मैडम जी की, और जहाँ जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर पिछले दिन आए थे आउटरीच के तहत देबू जी जो आए, उन्होंने भी काफ़ी इस पर फोकस रखा है, उसके चलते आज ये पोस्ट ऑफिस जो है दोबारा खुला है। ये कोर्ट कॉम्प्लेक्स में यहाँ पूरा कम्प्लेक्स और मेन जो शहर है उसको ये कवर करेगा, ये लोगों के लिए बहुत ही राहत का बात है और खुशी की बात है, मैं सभी को बधाई देता हूँ उसको। जिला डोडा के चिराला तहसील के यहां भलारा गांव में आज मवेशियों के बाड़े में संदिग्ध परिस्थितियों में एक किशोरी फंदे से झूलती हुई पाई गई है और ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची हुई पुलिस ने शव का पंचनामा करने के लिए आप देखिए किस तरह से यहां पर काम शुरू कर दिया गया और घटना की तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। तो मृतक किशोरी की पहचान 16 वर्षीय अनीता देवी के रूप में हुई है। सर नहीं, नहीं कोई किसी के साथ नहीं लड़ाई थी, न कोई तनाजा था, न ही कुछ था। हाँ ये हमें ये मालूम ही नहीं है कि भाई यहाँ खाली खाली खांसी थी,
अंदर जाकर आग जलाई उसने, चाय के लिए पानी रख दिया, छोटे बच्चे थे दो, वो बच्चे भी सोए हुए थे। जब वो जागे तो मैंने उनको कहा कि भाई चलो जाओ वर्दी नीचे, तुमने स्कूल जाना है, पेपर है तेरा और उस पेपर के लिए तैयार हो जा। वो चला गया नीचे, उसने देखा वो जामवाल था, वहाँ चला गया था, वहाँ देखते कि वो लड़की हुई है। बस इतनी सी बात है, हम ना इसका बाप मौजूद था, ना माँ मौजूद थी और ना हम मैं मौजूद था, मैं भी अपने घर में ही था। तो कोविड के फिर से दस्तक देने और इससे पीड़ित इक्का दुक्का मामले सामने आने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने उन लोगों से अपील करने की और यहां आप देखिए कोशिश की है, जांच करवाने का आह्वान उनसे किया गया है जिन्हें खांसी, जुकाम, बुखार या फिर गले में दर्द की शिकायत है। जो जम्मू के जीएमसी अस्पताल की यहां मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने यह आह्वान करते हुए कहा कि जिस किसी को भी अपने आप में कोविड के लक्षणों का आभास होता है तो अस्पताल का रुख कर सकते हैं। जीएमसी अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए हर तरह की सुविधा का इंतजाम किया गया है। उन्होंने लोगों से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने की अपील की है ताकि इसे दोबारा से फैलने से रोका जा सके। जिसको भी खांसी, जुकाम या बुखार या गले दर्द या कुछ ऐसा, क्योंकि अब हम सब ही काफी एक्सपीरियंस्ड हैं और तजुर्बाकार हैं इस बीमारी के साथ लड़ने के लिए और इस बीमारी को हराने के लिए, तो उसका सबसे आसान और बढ़िया तरीका है कि टेस्ट करवा लें। अगर कोई साइन एंड सिम्टम्स ज़्यादा हैं या कुछ ऐसी चीज़ लगती है जिसमें हॉस्पिटल की मदद की ज़रूरत पड़े, तो हॉस्पिटल आपकी सेवा के लिए 24/7 तैयार है। जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग और छोटे हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, कोमॉर्बिडिटीज़ से मतलब होता है बीमारियाँ जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या कोई कॉम्प्रोमाइज केस है जैसे क्रॉनिक लीवर डिजीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज का कोई पेशेंट है, उनके लिए समय फिर से एक चैलेंज भरा हो जाता है। अगर टेस्ट से गलती से कहीं पॉजिटिव आता है जो भी, उसको आइसोलेट करना है, हॉस्पिटल की जरूरत है तो हॉस्पिटल रेडी है आपकी सेवा के लिए। मास्क पहन के रखें, हाथ को बार बार धोएं जब भी मौका मिले साबुन से, और जब ना तो सैनिटाइज करें, और एक दूसरे के बीच में 2 गज की डिफरेंस रखें। बट जो सिचुएशन अभी मिड फरवरी से ही थोड़ी बदलने लगी है मौसम के बदलाव के साथ, सराउंडिंग कंट्रीज में भी आ रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं। आज ही एक यहाँ से एक सर्कुलर निकाला है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को स्टाफ भी पूरे तरीके से मानेगा, सबको मास्क पहनना मैंडेटरी कर दिया है और रश एरियाज नहीं होने देने हैं। सिक्योरिटी इंचार्ज और सिक्योरिटी लोगों के साथ एक स्पेशल ड्रिल करके पासिस इंट्रोड्यूस किए गए हैं कि मिनिमम लोग अंडर हों वार्ड्स में, क्लस्टरिंग कम हो, मतलब रश को थोड़ा सा डीकंजेस्ट करने की कोशिश की जा रही है, जो कि एक विन विन सिचुएशन होगी पेशेंट्स, अटेंडेंट्स और स्टाफ तीनों के लिए। तो बिश्नाह के गांव चकजराला के लोगों ने जल शक्ति विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और लोगों का आरोप है कि साफ पानी उपलब्ध करवाने के नाम पर जल शक्ति विभाग ने गांव के लोगों की लाखों रुपए की जमीन ली और सरकार के करोड़ों रुपए भी खर्च कर दिए, लेकिन ग्रामीणों को पानी उपलब्ध नहीं करवाया गया है। ग्रामीणों ने सरकार से यहां ट्यूबवेल के निर्माण कार्य की जांच और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के साथ साथ गांव के लोगों को साफ पानी उपलब्ध कराने की भी मांग की। पीएचई डिपार्टमेंट वाले जहां आए, इन्होंने कहा अपने जगह दीजिए, हम आपको पानी पिलाएंगे। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने बोर किया, जब पानी आया तो मैंने कहा पानी साफ है, इन्होंने कहा बिल्कुल साफ है। मैंने कहा आप सप्लाई करो, इन्होंने कहा नहीं, अभी पाइपें बिछाएंगे, ट्रांसफार्मर लगेगा, फिर सप्लाई होगा पानी। तो उसके बाद पाइपें डाली गई, ट्रांसफार्मर लगाया गया, तो जब पानी सप्लाई करने की बारी आई तो इन्होंने कहा नहीं अभी नहीं पानी दे सकते, अभी ये खराब हो गया है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दूसरा निकालो। इन्होंने फिर दूसरा निकाला, उसके बाद इन्होंने कहा कि पानी जो है, मैंने कहा पानी साफ है, इन्होंने कहा बिल्कुल साफ है पानी, हम डायरेक्ट पानी नहीं देंगे क्योंकि बोर बैठ जाता है, हम पहले टंकी बनाएंगे, फिर 2 कमरे बनेंगे, उसके बाद ट्रांसफार्मर लगेगा, फिर गांव को पानी सप्लाई कर दी जाएगी। तो हमने कहा चलो ठीक है। उसके बाद इन्होंने लाखों रुपए खर्च किए, करोड़ों तक पहुंच गए, जिसमें इन्होंने टंकी भी बनाई, ट्रांसफार्मर भी लगाया, 2 कमरे भी वहां डाले गए, और आज जब पानी की सप्लाई करने की बारी आई तो इन्होंने कहा पानी तो है ही नहीं, पानी तो
तो इसमें नहीं है, आप हमें और जगह दो, हम फिर से टंकी बनाएंगे, फिर से पाइपें बिछाएंगे। बड़े ही अफसोस से कहना पड़ता है कि डिपार्टमेंट ने पहले हम बहुत चक्कर लगाए भाई पानी चाहिए, बोर भी किया, बोलते पानी नहीं, पानी साफ है, तो 2-3 साल के बाद वो बोर खराब हो। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।